स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, हेल्दी एंड सेफ। टुडे वी स्टडी अबाउट द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट इन नर्व्स। एवरी न्यूरॉन हैज अ न्यूक्लियस। हर न्यूरॉन के पास एक न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। डेंड्राइट्स ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाता है और एक्सॉन्स सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन ले जाने का वर्क करती है। ठीक है, सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन लाने का काम डेंड्राइट्स करती हैं और वहाँ से दूर ले जाने का काम, यानी कि सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन ले जाने का काम हमारे एक्सॉन्स करते हैं। इज दैट क्लियर? थ्री टाइप्स की नर्व्स होती हैं। ऑल ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स। दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। सेंसरी, जैसे कि इनके नाम से ही लग रहा है कि ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं। ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को कलेक्ट करती हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क करती हैं। ओके, सेंसरी नर्व्स क्या कर रही हैं? सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेके ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क कर रही हैं। मोटर नर्व्स ब्रेन से मैसेज ऑर्गन तक पहुंचाने का वर्क कर रही हैं। और मिक्स्ड नर्व्स, वो ब्रेन तक मैसेज को पहुँचाने का वर्क करती हैं और ब्रेन से लाने का वर्क भी करती हैं। ओके, दीज नर्व्स परफॉर्म बोथ द अबव फंक्शन। ये दोनों फंक्शन को करती हैं। दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ एक्शन हमें इतने क्विक करने होते हैं कि वो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कैसे होता है? सबसे पहले हमारे अंदर स्टिम्यूलस होते हैं, तेजना होती है, फिर वो रिसेप्टर तक उसका मैसेज जाता है और फिर सेंसरी न्यूरॉन्स तक जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स रिले न्यूरॉन्स तक मैसेज के लिए जाती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। फिर वो मोटर न्यूरॉन्स तक जाता है और फिर इफेक्टर्स तक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इफेक्टर्स हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं, कोई ऐसा ऑर्गन होता है जो रिस्पॉन्स करता है। ठीक, जो रिस्पॉन्स करता है उसे इफेक्टर बोलते हैं। रिस्पॉन्स कैसे होता है? अ मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, हमारा मसल अचानक से सिकुड़ जाता है, या फिर हमारा जो ग्लैंड है वो कुछ सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं या फिर केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं? जो कि कुछ सिक्रीट करते हैं, उन्हें ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, तो ग्लैंड जब रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है तो फिर क्या करता है वो रिस्पॉन्स? कुछ रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल कभी रिलीज़ करता है, कभी हारमोन्स रिलीज़ करता है। ओके, ये हमारी बॉडी में ब्रेन के थ्रू नहीं कंट्रोल होते हैं, बल्कि ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ओके, अगर हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है तो हम उसे फौरन हटा लेते हैं। दिस इज़ अ क्विक एक्शन एंड दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इट कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड।